नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल टीवी में। हाजिर हूँ आपके सामने आज की बड़ी खबर के साथ। एनटीटी ने हक के लिए बुलंद की आवाज। धर्मशाला में प्रशिक्षित नर्सिंग अध्यापिका यानी एनटीटी संघ ने मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। उन्होंने एनटीटी को रोजगार देने की सरकार से मांग की है। अध्यापिकाओं ने शहर में रैली निकालकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। अध्यापिकाओं ने कहा कि प्रदेश की विभिन्न जगहों से महिलाओं ने नर्सरी अध्यापिका का प्रशिक्षण प्राप्त किया था कि भविष्य में उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इनमें से अधिकतम महिलाएं गरीब परिवारों से संबंध रखती हैं। सभी महिलाओं ने मिलकर बार बार हिमाचल सरकार से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया है। 1996-97 में नर्सरी अध्यापिकाओं को प्राथमिक पाठशालाओं में लगाया गया था, परंतु उसके बाद आज तक पूरे प्रदेश में कोई भी नर्सरी अध्यापिका नहीं लगाई गई है। उन्होंने मांग की है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए एनटीटी को नियुक्त किया जाए तथा नियुक्ति भर्ती पदोन्नति नियम बनाकर की जाए जो नियमित आधार पर हो, आयु सीमा में छूट दी जाए, योग्यता प्लस टू पास हो व नर्सरी का विशेष प्रमाण पत्र रखा जाए, बोर्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन का कोटा दिया जाए, प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिकाओं की नियुक्ति बैच वाइज की जाए, उच्च शिक्षा प्राप्त प्रार्थी को शिक्षा योग्यता के अनुसार प्राथमिकता दी जाए। पालमपुर करुणामूलक आश्रित परिवारों ने प्रदेश सरकार पर हकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। आश्रित परिवारों का आरोप है कि सरकार अपने चहेतों को बैकडोर एंट्री से लाभ पहुँचाती रही है, लेकिन असली हकदारों की हमेशा उपेक्षा की गई है। करुणामूलक परिवारों ने सरकार से वन टाइम सेटलमेंट शर्त हटाकर सरकारी नौकरी देने व करुणामूलक आधार पर नौकरियों में 5% कोटा बहाल करने की मांग की है। सरकारी नौकरियों में लगाई गई शर्त को हटाया जाए तथा प्राथमिकता के आधार पर सरकारी नौकरी में मिलने वाली सुविधाओं को नियमानुसार लागू किया जाए।